सिंगर और अभिनेता पवन सिंह ने काराकाट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। काराकाट से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने पवन सिंह के सवाल को टाल दिया, जबकि एलजेपीआर के चिराग पासवान का कहना है कि पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा का नुकसान होगा या नहीं अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में पावर स्टार के नाम से चर्चित पवन सिंह ने काराकाट से लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान किया। बिहार की सियासत में चुनावी बहस छिड़ गई। सवाल ये उठने लगे कि पवन सिंह ने काराकाट को ही क्यों चुना और पवन सिंह के चुनाव लड़ने से किसको नुकसान होगा। वैसे तो इस सवाल का जवाब 4 जून को पता चलेगा, लेकिन जब पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर काराकाट के एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा से सवाल हुआ तो सवाल को टाल गए। हमने जाति या साइंस के और कॉमर्स का सवाल पूछेगा तो हम कहां जवाब दे पाएंगे। हम साइंस के विद्यार्थी हैं, साइंस का सवाल पूछे जवाब देंगे। पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने के ऐलान पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान का कहना है कि अभी तो पवन सिंह ने सिर्फ एक पोस्ट किया है। उपेंद्र कुशवाहा को पवन सिंह से नुकसान होगा या नहीं ये अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता। भाई मुझे नहीं पता, अभी उन्होंने सिर्फ एक्स पे उन्होंने सिर्फ एक पोस्ट डाला है। अभी जैसे ही स्थिति थोड़ी और स्पष्ट होगी कि वो किसी दल से चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ेंगे कि भी नहीं लड़ेंगे, अभी ये स्थिति स्पष्ट नहीं है। आपको बताएं कि काराकाट सीट एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएम और एनडीए अलायंस में सीपीआईएमएल के पास है। यहाँ मुख्य मुकाबला आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा और सीपीआईएमएल के राजाराम सिंह के बीच है, लेकिन पवन सिंह के चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद काराकाट की लड़ाई दिलचस्प हो जाने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजित कुमार और पटना से विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।